मरीजों की खिदमत में इतना ही वक्त नहीं मिलता कि मुताला करूं, और मुताला तो वो शख्स करता है जो इल्म रखता है। ना रईस हूं, ना अमीर हूं, ना मैं बादशाह वजीर हूं, तेरे मुस्तफा मेरी सल्तनत उसी सल्तनत को मैं फकीर हूं। की है आवाज के मैं कुछ भी नहीं हूं, इस पर है मुझे नास के मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ होना मेरा जिल्लत और खारी का सबब है, यह है मेरा एजाज के मैं कुछ भी नहीं हूं। नात खा हो या गजल खा हो या कुछ और पढ़ने वाला हो, किसी भी चीज के पीछे मेहनत करके उसकी आवाज बनाते हैं, तर्ज बनाते हैं। आज मैं सुबह से मरीजों को देख रहा था और दिल में बार बार ये अशआर के साथ ये आवाज मेरे कानों में आ रही थी, बस उसी आवाज को मैंने एक तर्ज की शक्ल दी और वो आवाज भी अल्लाह की तरफ से अता करदा वो आवाज थी। मजाजी एक इश्क है, क्या कहते हैं हकीकी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम तो बड़े काम के आदमी थे। ये इश्क मजाजी है और इश्क हकीकी क्या है? इश्क की राह पर चलने वालों, इश्क की राह पर चलने वालों, इश्क की कोई मंजिल नहीं है। राह में जो चल के, राह में जो थक के बैठ जाए, उस सफर के वो काबिल नहीं है। अल्लाह से इश्क की मंजिलें हैं जो हम तय कर रहे हैं। अगर कोई थक के घर में बैठ जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुरीद वो है जो शेर की तालीमात पर अमल पैरा हो, लेकिन के बहालत मजबूरी अगर किसी वजह से वो घर में बैठा है, वो घर में नहीं, वो शेख के दिल में और नजर के सामने बैठा है। जैसे हमारे मुफ्ती तंजीम साहब हैं कि सुबह में उनके मुस्लिम शरीफ और बड़ी बड़ी हदीस की किताबें पढ़ाने होती हैं, उसका मुताला उनके लिए लाजमी और जरूरी हिस्सा है, लेकिन वो अपने शेख के महफिल में आने की तलब रखते हैं, चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सुबह में हदीस और क्या कहते हैं कुरान का दर्स देना होता है। लेकिन हक बताऊं कि वो जब भी यहाँ महफिल होती है, वो मेरे नजर के सामने बैठे हुआ करते हैं, और जो शेख जो मरीद यहाँ बैठ कर तवज्जो पाते हैं, वो चाहे किसी भी कोने में बैठ जाए, वही तवज्जो, वही मोहब्बत और वही इश्क वो अपने घर में बैठे हुए मुताला करते हैं, लेकिन शेख तवज्जो डालकर उनकी मंजिलों को उस मोहब्बत और उस इश्क तक पहुंचने की राहें हमवार करता है। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। किसको देखा है? अल्लाह 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 अल्लाह। कहाँ देखा है? मासूम लगते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की राहों पर अभी उंगली पकड़कर इन्हें चला रहा हूँ, और ये दौड़ने की भी काबिल हो जाएंगे तब भी मेरे नजर में मासूम नजर आएंगे। मासूम प्यारों में मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। सारत और बलावत के साथ अल्लाह की इश्क और मोहब्बत की हम्द सना
तारीफ बयान करने वाले चाहे वो मुफ्ती तंजीम साहब क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर बेपढ़े लिखे अनपढ़ हैं ही क्यों ना हो, सबके चेहरों मुझे मासूम और प्यारे नजर आते हैं। और उसी मोहब्बत में कहता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, अल्लाह 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 ने कहा कि तीन दिन पहले मैं आपके पास आई थी, गुर्दे में से कंकर निकल कर पेशाब की जगह पहुंच चुके, डॉक्टरों ने कहा कि अब इस कंकरों का निकलना मुश्किल है, अब ऑपरेशन करना होगा, 1,80,000 रुपए का खर्च है। वो चार शुक्र के दिन मेरे पास आई और कहने लगे, हाफिज साहब ऑपरेशन तो मुझसे हो नहीं सकता, प्लीज अब आपकी दुआ चाहिए। ऑपरेशन मुझसे नहीं होता, 1,80,000 नहीं 10,00,000 लग जाए, लेकिन ऑपरेशन मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, प्लीज हाफिज साहब आपकी दुआ चाहिए। मैंने कहा जाओ, ये पानी पे है ना, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन आई और कहने लगे, हाफिज साहब कंकर सलामती के साथ बाहर निकल, 1,00,000 नहीं 1,80,000 नहीं 10,00,000 में खर्च करने पर वो राजी थी, लेकिन वो ऑपरेशन की उस दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त न कर सकती, लेकिन खुदा की रहमत ने उसे इस मरकज के पास, खुदा ने अपना इंतखाब के पास भेजा। एक कुरान का एक नहीं, रोजाना हजारों मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला आप सबको दिखाया है, दिखा रहा है, दिखाता रहेगा। अब तक मेरे नहीं, मेरे नस्लों, कयामत तक की नस्लों से इंशाअल्लाह उम्मीद है, जरूर ये कुरान का मौजज़ा दिखाया है, दिखा रहा है, कयामत तक दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, खुर्शीद के तारों में, रातों के सितारों में, आंखों के खुमारों में, यारों के नजारों में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, अल्लाह 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 पागलपन क्या है, ये मोहब्बत नहीं ये इश्क है, ये दीवानगी है, मैंने अकल तो पागल है, मैंने बात समझ में नहीं आएगी, अकल से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, इश्क की राह पर चलना शुरू कर दो मंजिल जरूर मिलेगी। टिके न थे कोई पूछता न था, ये है इश्क, देखो उसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई, ये मोहब्बत
नहीं ये इश्क है। याद में तेरी सबको भुला दो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दो, खाना दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दो, हम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपने गिरा दो, सबको नजर से अपने गिरा दो, तुझसे फकत पर याद रहे। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, ये तहे दिल से तुझे सबसे बड़ा तस्लीम करता हूँ। तेरा ही नाम आता है मेरे होठों पे रह रह कर, तेरा ही नाम आता है मेरे होठों पे रह रह कर, तुझे ही लाई के हम तो सना तस्लीम करता हूँ। तेरी अजमतों के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, तेरी अजमतों के तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, मैं राई की तरह सहमा हुआ तस्लीम करता हूँ। सेना के पहाड़ों में, सेना के पहाड़ों में, चैना के अखाड़ों में, पैना के बिगाड़ों में, मैना के पिछाड़ों में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। साल में तारों में, गुम्बद में मीनारों में, खलवत में हजारों में, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। महफिल के चराग़ों में, गुर के बाबों में, सरशार दिमागों में, हर कल्ब के दार